कैसे हैं आप लोग? अरे सर, इलाहाबाद में हम लोग कब तक बैठेंगे? आप लोग सोच रहे हैं चीज़ों को, हैं? 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आप लोग हैं कहाँ बताइए, हैं? 23 तारीख को धरना है सर, और ये धरना आखिरी धरना है। अब कोई धरना कराने नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? और आप लोग अगर इस बार नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 27 और 28 के बीच में यूपी ट्रिपल सी अपना कैलेंडर जारी करने वाला है। ये हम लोग के पास बहुत सही मौका है कि इस बार दबाव बना के एक दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, जिस भी माध्यम से हम लोग इस बार दबाव बना लें, क्योंकि सरकार तभी विवश हो पाएगी। और ये हम लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, समझ रहे हैं? और ये आखिरी धरना है सर, इसके बाद कोई धरना देने नहीं जाएगा, बाकी आप लोग जाते रहिएगा धरना देने, आप समझ रहे हैं ना? और लोग कहते हैं कि इलाहाबाद वाले साथ नहीं दिए, साथ नहीं देते हैं। आपको बता दें कि हम लोग ने शुरू में 2018 में पहला 10 अक्टूबर 2018 को पहला धरना दिए थे। बाकी हम लोग 8-10 लोग थे, हम थे, सूरज भाई थे, अभिनंदन भाई थे, रवि भाई, संतोष थे, परमा थे और इंद्रेश थे। हम लोग कोचिंग में जा जा के लड़कों से बात करते थे, 5 मिनट 2 मिनट का समय लेके लड़कों के नंबर नोट करते थे। उसके बाद 8 दिन 10 दिन से पहले मतलब प्रचार करते थे, हर कोचिंग में जाते थे, जिस दिन जाना होता था लड़कों को फ़ोन करते थे, मतलब ऑफलाइन ये चीज़ें हम लोग करते थे। उसके बाद हम लोग, हमें याद है 250-300 का बैनर 2 बनवाए थे हम वहाँ से, कटरा से। उसके बाद हम लोग गए थे, 300+ बच्चे थे, हम लोग गए, आयोग से बात की। देखिए आयोग की मंशा क्या थी, सरकार की मंशा क्या थी, हम लोग वाकिफ नहीं थे उस समय। उसके बाद काफ़ी दिन हो गए, फिर 2021 में हम लोग धरना देने गए, मतलब लोगों ने कहा भाई एक बार फिर रामजीत भाई धरना दिया जाए, हमने कहा चलिए ठीक है। 19 फरवरी 2021 को हमने सोचा, इस बार देखिए डिप्लोमा वाले ऐसे सर जाते नहीं, आप लोग तो जान ही रहे हैं, अदर वैकेंसी नानटेक वाले होते हैं धरना देने बहुत अच्छे से ले जाते हैं, हम लोग तो जाते नहीं हैं। हमने सोचा इस बार थोड़ा धरने को सफल बनाना है, हमने बसों का इंतजाम किया, आप लोग ने बहुत साथ दिया और चीज़ें सब लोग ने साथ दिया, जितने भी सर हैं, कोचिंग हैं, जितने भी लोग थे सब लोग ने साथ दिया। 6 बसें गई, एक महिलाओं की थी, 5 बसें वहाँ थी, इसमें 500 या 600+ बच्चे थे, 20-25+ लड़कियाँ थी यहाँ से गई थी जो। उसके बाद हम लोग अंदर गए, आयोग से बात किए, अंदर अध्यक्ष से बात हुई थी, अब जो उन्होंने कहा वही तो माना जाएगा, क्योंकि हम लोग के प्रति वही था कि भाई आयोग कितना गुमराह कर रहा था, चीज़ें पता नहीं चल पा रही थी। उसके बाद धरना तो दे ही दिए, उसके बाद धरने देने के बाद कुछ लोग कहें कि धरना सफल नहीं रहा, हम लोग इस बार धरने में जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे, बिना डेट लिए नहीं आएंगे। सर आप भी समझदार हैं, अंदर जाने के बाद चीज़ें क्या होती हैं, कैसे डील करते हैं वो आप जान ही रहे हैं। हम लोग 500-600 जाके हम लाठी डंडा और उनसे बदतमीजी तो कर ही नहीं सकते हैं, 1 मिनट